अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन अक्सर अपने लुक्स की वजह से चर्चा में रहती है। सोशल मीडिया पर वो काफ़ी एक्टिव रहती है, उनकी हर तस्वीर चर्चा का विषय बन जाती है। नव्या नवेली नंदा ने भले ही फिल्मों में आने का फैसला किया हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। अब श्वेता बच्चन ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसे देखकर शायद आपका मन भी गदगद हो जाएगा। दरअसल श्वेता बच्चन की इस तस्वीर में एक ही फ्रेम में बच्चन परिवार की तीन पीढ़ियाँ जया बच्चन, श्वेता बच्चन और नव्या नवेली नंदा नजर आ रही हैं। तीनों ही तस्वीर में ट्रेडिशनल आउटफिट में बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। श्वेता बच्चन ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, तुम मैं और डुपरी। फैंस जया बच्चन और श्वेता बच्चन की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर में लाइमलाइट नव्या नवेली नंदा लूट रही है। लोग नव्या नवेली की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। इस तस्वीर में जया बच्चन साड़ी में तो श्वेता बच्चन और नव्या नवेली मल्टी कलर लहंगे में नजर आ रही हैं। श्वेता बच्चन ने लहंगे के साथ चोटी बांध रखी है तो नव्या नवेली ने बालों को खुला रखकर अपने लुक को कंप्लीट किया है। नव्या और श्वेता जहां एक दूसरे को देख रहे हैं, वहीं जया बच्चन नीचे देख रही हैं। इस कैंडिड तस्वीर पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज ने हार्ट की इमोजी शेयर करते हुए तस्वीर पर प्यार बरसाया है। वहीं बहुत सारे यूजर्स ने खूबसूरत और गॉर्जियस कमेंट लिखे हैं। इससे पहले श्वेता बच्चन ने एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें वो जया बच्चन और टीना अंबानी एक फ्रेम में नजर आए थे। इस तस्वीर में श्वेता बच्चन ने मेजेंटा पिंक कलर का अनारकली पहन रखा था, वहीं जया बच्चन सिंपल अनारकली में बेहद ही प्यारी लग रही थी। टीना अंबानी भी इस तस्वीर में साड़ी में सज धज कर बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। नव्या नवेली की बात करें तो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन फॉर्डहम यूनिवर्सिटी से पूरा करने के बाद बिजनेस के क्षेत्र में उतरने का फैसला किया है। उन्होंने वॉक के दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हूँ और पहली महिला जो बिजनेस का नेतृत्व करेंगी। मेरे परदादा एचपी नंदा की विरासत को आगे बढ़ाना मेरे लिए एक गर्व की बात होगी। आपको बता दें कि नव्या नंदा के पिता निखिल नंदा भी एक सफल बिजनेसमैन हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।